कांग्रेस के सांसद तथा पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया भी इस बार चुनाव में सक्रिय हो सकती हैं। इस बात की कई चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि गुना संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शिनी चुनाव लड़ सकती हैं। कुल मिलाकर प्रियदर्शिनी को गुना से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी कांग्रेस कार्यकर्ता भेज चुके हैं। इसके अलावा प्रियदर्शिनी लगातार गुना संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्होंने यह तय किया है कि 24 फरवरी तक वहां रहकर वे महिला सम्मेलनों में हिस्सा लेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार अभियान में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले मनीष राजपूत का यह कहना है कि प्रियदर्शिनी राजे के चुनाव लड़ने का फैसला तो सिंधिया परिवार ही करेगा, लेकिन हाँ ये जरूर तय है कि गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव वही जीतेगा जिसे राजघराने का समर्थन हासिल होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस इस मामले में बेहद गंभीर है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया भी चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को सीधे सीधे 2 सीटों का फायदा मिल सकता है। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या निर्णय लिए जाते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.